हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये वाला वीडियो होने वाला है यार वन टेक वीडियो कैसे लेते हैं। अगर आप एक सिनेमैटिक व्यू शूट कर रहे हैं, फिर मान लो कोई स्क्रिप्ट वगैरह शूट कर रहे हैं, फिर आप मान लो कोई वेब सीरीज या कुछ टाइप का कुछ शूट कर रहे हैं, या कोई कॉमेडी वीडियो वगैरह शूट कर रहे हैं, उसके लिए क्या होता है, उसके लिए आपको चाहिए होती है कि एक लाइन्स आपको याद करनी पड़ती है। स्क्रिप्ट में होती है वो एक एक लाइन्स आपको याद करनी पड़ती है कि मैं यहाँ गया, मैंने ऐसे किया, हाँ हाँ मैंने ऐसे ऐसे, जो भी उनका स्क्रिप्ट होती है उस हिसाब से। और दूसरा आता है कि आपका ये वाला सेक्शन जिसपे आप वीडियो देख रहे हैं, दूसरा सेक्शन हो गया कि आपका टेक्निकल सेक्शन या फिर कुछ फ़ोन से रिलेटेड हो, जिससे आप कुछ बताते हो फ़ोन के बारे में, या फिर किसी भी और चीज़ की इन्फॉर्मेशन आप देते हो। स्पेशली आप बोल सकते हैं इन्फॉर्मेटिव कंटेंट, या फिर यूट्यूब के लिए अलग सेक्शन जिससे होता है कि बहुत सारे टेक्निकल वीडियोज़ हो गए या इन्फॉर्मेटिव वीडियो हो गए, फैक्ट वीडियोज़ हो गए, तो उस टाइप की वीडियोज़ के लिए आपको क्या करना था, उसके लिए आपको एक स्क्रिप्ट तो याद करने की ज़रूरत नहीं है। एक स्क्रिप्ट लिखोगे तो बहुत सारा टाइम लगेगा, बहुत सारी मेहनत लगेगी उसमें, तो उससे बेटर क्या करना है, आपको एक पॉइंट्स याद कर लेने से आपको याद होगा। हम स्कूल में क्या करते थे, स्कूल में हम एक एक पॉइंट्स तो याद करते नहीं थे, पूरा एक लाइन तो हम याद करते नहीं थे स्कूल कॉलेज में, तो उसी तरीके से आपको क्या करना है, बहुत सारे पॉइंट्स लिख लेने हैं, जो भी मेन मेन पॉइंट्स है उसके, मान लो कि इस किस एरिया में है, किस चीज़ से रिलेटेड है। अगर फ़ोन की बात करें तो फ़ोन में मान लो कितना प्रोसेसर है, कितनी रैम है, कितना कैमरा है, कितना स्क्रीन का साइज़ है, इस टाइप से आप चीज़ें कर सकते हैं, तो काफ़ी आपके लिए बेनिफिशियल होगा। एक वन टेक आप वीडियो बना सकते हो, जैसे ये वीडियो में मैं वन टेक दे रहा हूँ, तो इस तरीके की आप वन टेक वीडियो दे सकते हो। सबसे पहले आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए आपको क्या करना है, कंटेंट क्या होगा, और आपके पॉइंट्स जो है आपको गिने होने चाहिए वीडियो पे कि भाई ये पॉइंट्स हैं, मिस नहीं करना है। उसके अलावा क्या कर सकते हो, स्क्रीन के पीछे या फिर स्क्रीन के अंदर या फिर अंदर की साइड अपना कुछ एक कार्डबोर्ड वगैरह रख सकते हो, फोन भी हाथ में रख सकते हो, दूसरा फोन अगर आपको यूज़ करना है दूसरा फोन भी आप रख सकते हो, और ऐसे करके आप कर सकते हो। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।